बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो केमिस्ट्री के ऊपर है, यूनिट 3 या 9 क्लास का, पीरियडिक टेबल एंड पीरियडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। आज हमने इसका लेक्चर नंबर 1 करना है। आज की वीडियो में जो क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं वो है व्हाट इज़ पीरियडिक टेबल। पीरियडिक टेबल के बारे में आज हम लोगों ने जो है वो कम्प्लीटली जो है वो करना है, तो इसलिए आप लोग मेरी जो वीडियो है वो कम्प्लीट देखें। सबसे पहले देखें जो पीरियडिक टेबल की डेफिनेशन है उसके अंदर आप लोग क्या लिखेंगे। आप लिखेंगे अ मॉडर्न पीरियडिक टेबल ऑफ द केमिकल एलिमेंट्स इज द वे इन विच दे आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स यूजली इन रोज। मतलब कहने का क्या है कि जो हमारा मॉडर्न पीरियडिक टेबल है उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, जो केमिकल एलिमेंट्स हैं, वो किस तरीके से अरेंज किए गए हैं। ठीक है, देखें वो इस तरीके से अरेंज किए गए हैं, जैसे जैसे उनका एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता गया उनकी नेक्स्ट जो है वो प्लेस उन्होंने लिखी हुई। ठीक है, तो उनको अरेंज किया गया अकॉर्डिंग टू अटोमिक नंबर से, और जो अटोमिक नंबर जो इंक्रीज हो रहा है वो जो रोज हैं उसके अंदर इंक्रीज हो रहा है फ्राम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट जो है वो रोज के अंदर जो एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है, और वो इस तरीके से जो है वो अरेंज किया गया, उसको क्या बोलते हैं, पीरियडिक टेबल बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो वर्टिकल कॉलम अपीयर हो रहा होता है ना उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है ना वो सेम होती हैं। ठीक है, और उनका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है, सिमिलर एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, और उसकी वजह से उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो ये सिंपल सी जो है वो डेफिनेशन है, इसके पॉइंट्स आपने लिखने हैं इसके अंदर। ये देखें, ये हमारे पास जो है वो मॉडर्न जो पीरियडिक टेबल है वो है। ठीक है, इसके अंदर ये सारी चीज़ें गिवन है। इसमें ये देखें, ये जो वर्टिकल कॉलम्स गिवन होते हैं ना इसके अंदर, इनको बोलते हैं हम लोग ग्रुप्स। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं, और इनकी जो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं वो 18 है। ठीक है, अगर हम इन वर्टिकल कॉलम्स को जो है वो काउंट करें तो हमारे पास 18 आते हैं। ठीक है, और तो ग्रुप्स कितने हुए, 18 हो गए। ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल जो लाइन है, जो रोज है हमारे पास, ठीक है, इनको बोलते हैं पीरियड्स। ठीक है, और ये हमारे पास जो है 7 पीरियड्स है हमारे पास। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो हमारा है उसके अंदर जो ग्रुप्स हैं, जो वर्टिकल कॉलम्स हैं हमारे पास वो हैं 18, और जो पीरियड्स हैं, जो रोज है हमारे पास वो हैं 7। अच्छा, अब इसके अंदर जो हमारे जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो प्रेजेंटेशन है वो कैसी हुई है। फॉर एग्जाम्पल हम ऑक्सीजन को ले लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो इसके अंदर देखें, ये जो आपके पास सबसे पहले जो नज़र आ रहा है आपको, ये सिंबल है उस एलिमेंट का जिसका वो लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा उस एलिमेंट का जो है वो नाम लिखा होगा, नेम ऑफ एलिमेंट लिखा होगा। फिर उसके बाद ये देखें ऊपर जो लेफ्ट साइड पे हमारे कॉर्नर के ऊपर जो लिखा हुआ है, ठीक है, 8, इसका मतलब होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसके अंदर कितने हैं, या आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर जो है वो कितने हैं। तो ये लिखा होता है इसके ऊपर। इसके बाद ये जो नीचे लिखा हुआ आपके पास 15.99 जो लिखा हुआ है छोटा सा, इसका मतलब होता है कि एटॉमिक मास क्या है उस एलिमेंट का। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके अंदर कितने हैं। इसके अलावा जो आजकल जो मॉडर्न ज़्यादा मॉडर्न जो पीरियडिक टेबल शो हो रही है उनके नीचे जो है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी जो है वो गिवन होती है, जिसके अंदर वो एस पी डी एफ जो होते हैं ना सब शेल, वो जो होते हैं वो जो मैंने आइडेंटिफाई भी है वो भी गिवन होते हैं। ठीक है, लेकिन मेजोरिटी जो है जो ज़्यादातर जो हमारे पास यूज़ होते हैं उनके अंदर बस ये इन्फॉर्मेशन जो है वो एक एलिमेंट की जो है वो पीरियडिक टेबल में जो गिवन होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है उसका ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसके अंदर जो है 18 ग्रुप्स हैं, 7 पीरियड्स हैं, और एक एलिमेंट जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है, उसके अंदर उसका सिंबल, उसका नाम, ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर, उसका एटॉमिक मास गिवन होता है। ठीक हो गया, अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाएँ हमारे पास। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, पीरियडिक टेबल से रिलेटेड उसमें जो नंबर 1 है हमारे पास वो है डोब्रिनर ट्राइड्स। ठीक है, मतलब डिफरेंट जो केमिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, पीरियडिक टेबल जो हमारे पास मॉडर्न पीरियडिक टेबल है उसके बनने से पहले जो डिफरेंट केमिस्ट थे, जो लोग थे, ठीक है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स की बेस के ऊपर जो है वो डिफरेंट पीरियडिक टेबल जो है वो बनाई। ठीक है, उसमें जो सबसे पहली जो थ्योरी थी, सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट्स या सबसे पहले जो ऑब्जर्वेशन थी वो डोब्रिनर ट्राइड्स थी। ठीक है, डोब्रिनर ने की और उसने उनका नाम लिखा ट्राइड्स। ट्राइड्स का मतलब होता है तीन। ठीक है, जिसमें तीन शामिल होती हैं वो। ठीक है, तो ये जर्मन केमिस्ट था डोब्रिनर। ठीक है, इसने क्या किया, इसने ऑब्जर्व किया, इसने रिलेशनशिप बेसिकली ऑब्जर्व किया तीन एलिमेंट्स का। ठीक है, ट्राइड्स है ना, ट्राइड्स का मतलब होता है तीन एलिमेंट्स, तो इसने तीन एलिमेंट्स का जो है वो रिलेशनशिप ऑब्जर्व किया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्राइड्स बोलते हैं। और क्योंकि ये डोब्रिनर ने किया इसलिए इसको बोलते हैं डोब्रिनर ट्राइड्स। तो ये पीरियडिक टेबल जो है हमारा, जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है, इसकी जो इनिशिएशन है, जो स्टार्ट है, वो किसने की, वो डोब्रिनर ने की और उसने ट्राइड्स बनाए। तो अब देखें, अकॉर्डिंग टू डोब्रिनर जो उसकी जो थ्योरी थी, जो उसके एक्सपेरिमेंट्स थे, उसके अकॉर्डिंगली क्या था, इसने जो तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बनाए थे, ठीक है, जिनको ट्राइड्स इसने नाम दिया था, अब इसने क्या कहा कि जो पहला एलिमेंट होगा उस ग्रुप के अंदर और जो आखिरी एलिमेंट मतलब जो तीसरा एलिमेंट होगा उस ग्रुप के अंदर, इन अगर दोनों का हम एटॉमिक मास जो है वो ऐड करें, ठीक है, और उसको डिवाइडेड बाय 2 करें, मतलब इनका एवरेज लें, तो वो एटॉमिक जो मास है वो इक्वल होगा मिडल वाले का, मतलब सेकंड वाले का। ठीक है, तो इसकी थ्योरी आपको समझ आई।
पहला और आखिरी जो है एटॉम एलिमेंट जो है इनके एटॉमिक मैसेज को ऐड करें, डिवाइडेड बाय टू करें, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, इसका जो मिडल वाला एलिमेंट होगा इसके ग्रुप के अंदर उसके इक्विवेलेंट होएगा। ठीक है, ये क्या है, ड्रोब्रिनर ट्राइएड्स है। अब देखें ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, इसके अंदर इसने जो ट्राइएड्स बनाए ना, इसने सिर्फ तीन ट्राइएड्स बनाए, इसमें से पहला जो इसने बनाया वो लिथियम सोडियम और पोटेशियम का बनाया, इसके अलावा इसने जो दूसरा बनाया वो कैल्शियम स्ट्रोंशियम और बैरियम का बनाया, इसके अलावा इसने जो है वो क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन का बनाया। तो इसके जो ट्राइएड्स थे ये सिर्फ तीन ट्राइएड्स थे, इसने तीन ट्राइएड्स बेसिकली बनाए थे, ठीक है, जिसमें से लिथियम सोडियम पोटेशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बैरियम और क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन बनाया। लेकिन अब इसमें जो इसके जो ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है, हमारे पास देखें यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, ये हमारे पास जो है वो नाइट्रोजन फास्फोरस और आर्सेनिक ये तीन शो हो रहे हैं हमारे पास, ठीक है, इन तीनों की भी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ये सेम है, लेकिन ये डोब्राइनर के जो ट्राइड्स थे उसके अंदर ये शामिल नहीं थे, तो ये इसका क्या है, ड्रॉबैक है। अभी मैं ड्रॉबैक्स भी आपको जो आगे चल के बताऊंगा, जस्ट आपको लोग मैं लोग सिर्फ दिखा रहा हूँ कि ये नाइट्रोजन फास्फोरस और आर्सेनिक जो हैं ये डोब्राइनर के ट्राइड्स में शामिल नहीं थे। तो जो डोब्राइनर ने तीन ट्राइड्स बनाए उसमें क्या थे, लिथियम सोडियम और पोटेशियम, इसके अलावा कैल्शियम स्ट्रोंशियम बैरियम, इसके अलावा क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये इसने तीन जो है वो ट्राइड्स बनाए थे इसने, ठीक है। अब इसने कहा क्या, इसने देखिए अभी मेरे पास मसलन कैल्शियम जो है इसका जो एटॉमिक मास है वो 40 है, ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास स्ट्रोंशियम है इसका क्वेश्चन मार्क है हमारे पास एटॉमिक मास, और जो हमारे पास बेरियम है फॉर एग्जांपल उसका है 137 जो है जो उसका एटॉमिक मास है। अब अकॉर्डिंग टू हिम इसने क्या किया कि एक पहला और आखिरी जो है इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई टू किया, तो इसने क्या किया, देखिए हमारे पास ये देखें स्ट्रोंशियम इसने कैसे फाइंड किया, इसने कहा कैल्शियम प्लस बेरियम डिवाइडेड बाई टू, मतलब पहला और जो तीसरा होगा इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई टू करके इसने मिडल वाले का एटॉमिक मास निकाला, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 40 प्लस 137 डिवाइडेड बाई टू इक्वल्स टू हमारे पास 88 आ गया। इसका मतलब है कि जो स्ट्रोंशियम है हमारे पास उसका जो एटॉमिक मास है वो कितना आया, 88 आया। तो इस तरीके से इसने क्या किया, ग्रुप्स बनाए, तीन तीन एलिमेंट्स के इसने ग्रुप्स बनाए, ठीक है, जिनके अंदर कैसे अरेंजमेंट उनकी थी कि पहला और जो तीसरा एलिमेंट होता था इन दोनों का जो एवरेज एटॉमिक मास होता था वो इक्विवेलेंट टू होता था मिडल वाले के, ठीक है, उनको बोलते हैं डोब्राइनर ट्राइड्स। अब इसके कुछ जो है वो ड्रॉबैक्स भी थे, ठीक है, हर थ्योरी के हर एक्सपेरिमेंट्स के जो है वो थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स भी होते हैं, ऑल दो इसने इनिशिएशन तो एटलीस्ट ली, इसने स्टार्ट तो किया पीरियोडिक टेबल, तो इसके जो ड्रॉबैक्स थे उसमें अंदर देखें, सबसे पहले जो इसकी क्लासिफिकेशन थी ना इसमें सारे एलिमेंट्स जो उस वक्त डिस्कवर हुए हुए थे वो इसने इंक्लूड नहीं किए, इसने सिर्फ तीन ट्राइड्स बनाए, मैंने आपको ऑलरेडी जो है ना वो बताया ना इसने कौन कौन से ट्राइड्स बनाए, तो इस जो सारे एलिमेंट्स जो उस वक्त ऑलरेडी जो है वो मालूम थे फाइंड हो चुके थे, लेकिन इसने सारे जो एलिमेंट्स हैं वो इंक्लूड नहीं किए, इसके जो ट्राइड्स हैं उसमें सिर्फ तीन ग्रुप्स से तीन ट्राइड्स इसने बनाए, तो इसका मतलब है कि ये सब एलिमेंट्स के ऊपर इसकी जो थ्योरी है वो एप्लीकेबल नहीं थी, ठीक है। देखिए हमारे पास फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन फास्फोरस और आर्सेनिक जो है मैंने आपको बताया उसकी उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं, लेकिन वो डोब्राइनर के ट्राइड्स जो हैं वो उसके अंदर शामिल नहीं थे, ठीक है, तो ये इसका क्या है, ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक नंबर वन है इसका जो मैंने आपके ऑलरेडी आप लोगों को जो है वो बताया। तो इसका जो दूसरा ड्रॉबैक था उसमें इसने क्या किया, इसकी जो थ्योरी थी ना डोब्राइनर की वो बेसिकली जो एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट होता है ना उसके ऊपर बेस कर रही थी, इसने एटॉमिक मास के ऊपर बेस करके जो है वो थ्योरी बना दी, इसने केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी उसकी जो है ना वो परवाह नहीं की, तो इसका जो बेसिकली इसकी थ्योरी थी वो सिर्फ एटॉमिक मैसेज के ऊपर इसने बेस करके बना दी, इसने जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती थी डिफरेंट एलिमेंट्स की उसको इग्नोर कर दिया, उसको जो है वो एक्सप्लेन नहीं किया, तो ये इसका क्या है, दूसरा जो इसका जो ड्रॉबैक है डोब्राइनर ट्राइड्स का वो है। इसके बाद जो तीसरा देखें इसका जो ड्रॉबैक है डोब्राइनर का, इसमें जितने भी एलिमेंट्स थे जिनका लो बहुत कम एटॉमिक मास होता है या जितने एलिमेंट्स होते हैं बहुत हाई एटॉमिक मास होता है उस उनके ऊपर इनकी जो थ्योरी है ना डोब्राइनर की वो एप्लीकेबल नहीं थी। फॉर एग्जांपल हमारे पास देखें हमारे पास जो फ्लोरीन है ठीक है उसका एटॉमिक मास है 19, ब्रोमीन का एटॉमिक मास है 18, अगर हम इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई टू करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो क्लोरीन का एटॉमिक मास है 35, मतलब आंसर आना चाहिए 35, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता, ठीक है, रियलिटी में कैसा होता है जब इन दोनों को ऐड करके 80 प्लस 19 करके डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो मेरे पास जो एवरेज एटॉमिक मास आता है वो कितना आता है, 50 आता है, ठीक है, लेकिन क्लोरीन का जो एक्चुअल एटॉमिक मास है वो कितना है, 35 है, तो इसका मतलब है कि जो बहुत कम मास वाले एटॉमिक मास वाले एलिमेंट्स और बहुत ज़्यादा एटॉमिक मास वाले एलिमेंट्स जो हैं उनके ऊपर इसकी थ्योरी जो है वो एप्लीकेबल नहीं थी। तो ये तीन जो ड्रॉबैक्स हैं वो डोब्राइनर के जो ट्राइड्स थे उसके अंदर जो है वो आपने लिखने हैं। तो अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास थ्योरी है वो आती है न्यूलैंड्स की ऑक्टिव्स आती हैं, ठीक है, पीरियोडिक टेबल के अंदर न्यूलैंड जो था ये ब्रिटिश केमिस्ट था और इसने ऑक्टिव्स पेश किए थे, ऑक्टिव्स का मतलब होता है कि आठ हमारे पास, ठीक है, आठ ऑक्टिव बेसिकली जो होता है ना उसका मतलब होता है। अब ये इसने 1864 में ये ब्रिटिश केमिस्ट था, इसने अपनी ऑब्जर्वेशन जो है वो पेश की, ठीक है, ऑब्जर्वेशन जो इसकी थी उसके अकॉर्डिंग इसने क्या कहा, इसने कहा कि जो हर आठवां एलिमेंट होगा उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम होगी पहले के,
ठीक है। तो इसने क्या किया, बेसिकली इसने सात सात का जो है वो ग्रुप बनाए, एक रो के अंदर इसने सात एलिमेंट्स रखे, तो हर एलिमेंट जो था, आठवां एलिमेंट जो था, उसकी प्रॉपर्टी जो थी वो सेम थी कंपेयर टू फर्स्ट वन के। फॉर एग्जाम्पल अभी ये देखें हमारे पास, ठीक है, इसने ये इसके ऑक्टेव्स थे, इसमें देखें फॉर एग्जाम्पल उसने एक एक रो के अंदर कितने एलिमेंट्स रखे हुए हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन रखे हुए हैं। तो अब इसने क्या कहा कि हर आठवां पहले से जो है वो इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन है, इससे आठवां काउंट करेंगे तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ये बनता है एट फ्लोरीन। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन जो है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी फ्लोरीन के साथ, इन दो की, ये इसका कहने का मतलब है, ठीक है। हर आठवां एलिमेंट जो होगा, ठीक है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी फर्स्ट वन से। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिथियम का केस देखें तो लिथियम का आठवां जो है वो सोडियम बन रहा है हमारे पास, ठीक है। ये देखें ना, वन इसको वन काउंट करेंगे, इसको वन काउंट करेंगे, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट, ठीक है। इसी तरह उसने जो है आगे चलाते गया वो। लेकिन जो है फॉर एग्जाम्पल इसकी जो न्यूलैंड के जो ऑक्टेव्स थे, ये कहाँ तक थे, सिर्फ कैल्शियम तक थे, सिर्फ कैल्शियम तक ये इसका जो कानून है, इसकी जो ऑब्जर्वेशन है वो एप्लीकेबल थी। इसके आगे जितने भी एलिमेंट्स ये हमारे पास इसके ऑक्टेव्स के अंदर लिखे हुए हैं, वो वहाँ पे उन एलिमेंट्स के ऊपर इसकी ये थ्योरी जो है एप्लीकेबल नहीं होती थी। इसका स्कोप कहाँ पर था, सिर्फ कैल्शियम तक इसका जो है वो न्यूलैंड के ऑक्टेव्स जो थे उनका स्कोप था। तो ये इसका क्या था, ड्रॉबैक था। इसके अलावा देखिए हमारे पास ये आपके पास कोबाल्ट और निकल जो है वो दोनों उसने क्या किया, इस हमारा जो पहला ग्रुप कह लें आप इसको, इसके अंदर उसने पहला वर्टिकल कॉलम है, इसके अंदर उसने इन दोनों को लिखा। लेकिन ये देखिए जो आयरन है उसने जो है वो बिल्कुल एंड पे उसने जो है वो आखिरी जो उसका वर्टिकल कॉलम था उसके अंदर उसने लिखा हुआ। हालांकि इन दोनों की जो है वो प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, सेम है। तो इनको होना क्या चाहिए था, इनको एक ही कॉलम्स के अंदर होना चाहिए था, लेकिन उसने इन दोनों को क्या लिखा हुआ है, अलग अलग लिखा हुआ है। तो ये इसका जो है वो दूसरा ड्रॉबैक है। इसके बाद तीसरा इसका जो ड्रॉबैक इसके अंदर आता है, ये देखें जो हमारा पहला वर्टिकल कॉलम है, जो पहला इसका वर्टिकल कॉलम है, इसके अंदर जितने भी हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन इन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है, ये कोबाल्ट और निकल जो है टोटली डिफरेंट है इनसे। अब ये कोबाल्ट और निकल इस ग्रुप की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आते ही नहीं है, लेकिन इसने इनके साथ इसको भी लिखा हुआ है। तो ये इसका तीसरा जो है वो ड्रॉबैक्स है, ठीक है। तो पहला इसका क्या ड्रॉबैक है कि इसकी जो लिमिट है, इसकी जो ऑब्जर्वेशन है वो ओनली अंटिल कैल्शियम जो एप्लीकेबल है, इसके बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर इसका जो ये ऑब्जर्वेशन है एप्लीकेबल नहीं होती। दूसरा इसने इसका ड्रॉबैक क्या है कि कोबाल्ट निकल इसने इधर लिखा हुआ है और आयरन जो है उसने इधर लिखा हुआ है, ऑल दो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, इनको एक ही ग्रुप में होना चाहिए था। तीसरा इसका ड्रॉबैक ये है कि इसने कोबाल्ट और निकल को इस वर्टिकल कॉलम में लिखा हुआ है हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन वगैरह के साथ, ऑल दो इनकी प्रॉपर्टी जो है वो टोटली इन बाकी एलिमेंट से जो है वो डिफरेंट है, आई डोंट नो उसने इधर क्यों लिखा हुआ था। तो ये इसकी जो है वो थर्ड इसका जो है वो ड्रॉबैक होगा, ठीक है। तो समझ आई कि उसने क्या किया, उसने बेसिकली इस ऐसे हमारे पास रोज बनाई, साथ साथ उसने उसके अंदर एलिमेंट्स रखे और उसने कहा कि हर आठवां जो एलिमेंट है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो पहले एलिमेंट के जो है वो सेम होगी, ठीक है। और उसने उनको जो अरेंज किया था वो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास उनको अरेंज किया था, जैसे जैसे एटॉमिक मास इंक्रीज होता जा रहा था वो नेक्स्ट उनको ऐड करता जा रहा था, ठीक है। तो आप इसके बाद इसके ड्रॉबैक्स जो भी मैंने आपको बताएं वो आप कैसे लिखेंगे, ड्रॉबैक्स ऑफ न्यूलैंड ऑक्टेव, इसमें जो नंबर वन है हमारे पास उसकी जो क्लासिफिकेशन थी वो जितने भी उस वक्त एलिमेंट्स जो फाइंड हो चुके थे उनके ऊपर जो है वो एप्लीकेबल नहीं थी, ओनली कैल्शियम जो है वहाँ तक उसकी जो अरेंजमेंट थी वो एप्लीकेबल थी, उसके बाद जो है वो एप्लीकेबल नहीं थी, मतलब ओनली अनटिल 40 एटॉमिक मास यूनिट तक वो थी, हालांकि 56 टोटल जो है हमारे पास थे लेकिन वो सिर्फ कैल्शियम तक जो है एप्लीकेबल थी। इसके बाद सेकंड ड्रॉबैक में वही जो है इसकी जो थ्योरी थी, कैल्शियम के बाद जितने भी एलिमेंट्स थे वो हर आठवां जो एलिमेंट था वो इसकी जो अकॉर्डिंग टू हिम कि उसकी प्रॉपर्टी पिछले पहले से शिफ्ट इक्वल होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही थी, मतलब एप्लीकेबल नहीं था कैल्शियम के बाद। इसके बाद जो तीसरा इसका था उसमें उसने जो अरेंजमेंट थी, हाँ इसके बाद इसका जो नोबल गैसेस थी वो उस वक्त जो है वो डिस्कवर नहीं हुई थी और इसकी जो अरेंजमेंट थी इसके अंदर इसने कोई स्पेस उनके लिए नहीं रखी थी नोबल गैसेस के लिए, ठीक है। तो उसका जो तीसरा ड्रॉबैक्स आप इसके अंदर लिखेंगे कि उसकी अरेंजमेंट जो थी उसके अंदर स्पेस नहीं थी नोबल गैसेस के लिए क्योंकि वो उस वक्त जो है वो डिस्कवर नहीं हुई थी। इसके बाद जो नंबर फोर पे इसकी जो ड्रॉबैक है उसके अंदर आप लिखेंगे कि आयरन, ठीक है, वो आयरन की जो है वो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कोबाल्ट और निकल जो हैं उनसे मिलती जुलती हैं लेकिन वो दोनों मैंने आपको दिखाया ना कि वो दोनों इसने फार एक दूसरे से दूर जो हैं वो रखे हुए थे, डिफरेंट जो हैं वो वर्टिकल कॉलम्स में लिखे हुए थे। इसके बाद जो इसमें अंदर जो कोबाल्ट निकल हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो बाकी जितने भी उस कॉलम्स के अंदर एलिमेंट्स थे उनकी प्रॉपर्टी से मैच नहीं करती थी लेकिन इसने फिर भी उस कोबाल्ट निकल को उस फर्स्ट जो, तो अब इसके बाद नेक्स्ट चले हमारे पास तो तीसरे नंबर पर जो आती है वो है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल की थ्योरीज के अंदर जो तीसरे नंबर पर आता है वो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल आता है। ये जो मेंडलीव है इसका जो इसकी जो ऑब्जर्वेशन थी इसकी जो थ्योरीज थी
हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, आप ऐसे कह लें कि मेंडलीव जो था बेसिकली ये फाउंडर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप इसको कह लें, तो इसने जो अपना एक्सपेरिमेंट, इसने जो अपनी थ्योरीज दी थी, ठीक है, वो काफ़ी हद तक जो है वो हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको बनाने के अंदर काफ़ी हद तक जो है वो हेल्पफुल हुई थी। तो ये रशियन था बेसिकली, ये केमिस्ट था, रशियन केमिस्ट था, ठीक है, मेंडलीव। इसने क्या किया उस वक्त, हमारे पास 63 एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर हुए थे जब इसने अपनी ये थ्योरी पेश की, तो उसको इसने क्या किया, अकॉर्डिंग टू उनके एटॉमिक मैसेज, जिस तरह जैसे जैसे एटॉमिक मैस इंक्रीज हो रहा था उसी उसी तरीके से इसने उनको क्या किया, अरेंज किया। इसने रोज के अंदर, हॉरिजेंटल रोज के अंदर, ठीक है, और उनको इसने नाम दिया, पीरियड्स का नाम दिया, और उसके अंदर इसने उन एलिमेंट्स को जो है वो अरेंज किया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मैसेज। अब देखें ये हमारे पास जो है वो इसका मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है वो हमारे पास है। यहाँ पे उसने क्या किया, सारे जो एलिमेंट्स हैं उनको उसने इंक्रीज, जैसे जैसे उनका एटॉमिक मास इंक्रीज होता गया उसने एक रो के अंदर जो है उसको रखा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो है एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा था। अब देखें तो उसका जो जितने भी वर्टिकल कॉलम थे उसके, ठीक है, उसके पीरियोडिक टेबल के अंदर, उनके अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो सेम थी, ठीक है, तो उसके ईच वर्टिकल कॉलम्स के अंदर जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी सब एलिमेंट्स की वो क्या रहती थी, सेम रही थी। इस तरह की जो उसने अरेंजमेंट दी उसको उसने क्या नाम दिया, पीरियोडिक लॉ का नाम दिया, ठीक है, दिस अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स वाज कॉल्ड पीरियोडिक लॉ। तो अब देखिए हमारे पास, तो अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक लॉ जो है वो क्या होगा, उसकी डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, उसमें लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज, मतलब कि जैसे जैसे एटॉमिक मैस जो है वो पीरियोडिकली चेंज होते जा रहे हैं, ठीक है, उस तरह उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो भी क्या होती जा रही हैं, चेंज होती जा रही हैं। इसका कहने का मतलब क्या है कि एक जो कॉलम है, एक जो उसका पीरियोडिक टेबल के अंदर कॉलम है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होंगी, सेम होंगी, ठीक है, लेकिन जो नेक्स्ट पीरियोडिक टेबल के अंदर, सॉरी जो नेक्स्ट कॉलम के अंदर एलिमेंट्स होंगे उनके साथ उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेम नहीं होंगी, बस अपने ही कॉलम्स के अंदर जो है वो सेम होंगी। अब देखें इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स थे, हर थ्योरी के कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, मैंने आपको बताया। तो इसके जो मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल के जो ड्रॉबैक्स थे उसमें नंबर वन में हमारे पास था कि हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन जो है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो अल्कली मेटल से भी मिलती थी लाइक लिथियम, इसके अलावा हैलोजन से भी जो है वो ग्रुप से भी मिलती थी लाइक आयोडीन से भी मिलती थी, इसलिए जो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन थी इसके पीरियोडिक टेबल के अंदर वो स्पेसिफिक नहीं थी, ठीक है, वो एग्जैक्टली इसने मतलब नहीं बताया कि उसको जो है वो कहाँ पे जो है रखना चाहिए, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो अल्कली मेटल्स से भी मिलती थी और हैलोजन से भी मिलती थी, ठीक है, ये देखिए हमारे पास जो है ना, इसने फिर क्या किया, उसको ग्रुप जो इसका ग्रुप नंबर वन था उसके अंदर इसने हाइड्रोजन को जो है वो प्लेस किया। इसके बाद नंबर सेकंड में जो आइसोटॉप्स थे, ठीक है, वो क्या हुआ, जो आइसोटॉप्स थे, आइसोटॉप्स होते हैं कि आप बेसिकली जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो सेम होता है उनका मास नंबर जो है वो डिफरेंट होता है। जिस मेंडलीव के जो पीरियोडिक टेबल था ये एलिमेंट जिस एटॉमिक मैसेज इंक्रीज हो रहे थे ना इसने अपने एलिमेंट्स को उस तरीके से अरेंज किया हुआ था, ठीक है, लेकिन जो आइसोटॉप्स थे वो इसने अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है वो नहीं लगाए हुए थे, ठीक है। यहाँ देखें, यहाँ पे फॉर एग्जांपल कार्बन हमारे पास ये ग्रुप नंबर फोर में शो हो रहा है, यहाँ पे इसने स्पेस भी नहीं दी हुई थी और उनको लगाया वो भी नहीं था कार्बन के आइसोटॉप्स को, ठीक है, क्यों, अब ये अपना अकॉर्डिंग टू इंक्रीज इन एटॉमिक मैसेज के हिसाब से इसने अरेंज किया था ना, तो जो आइसोटॉप्स थे कार्बन के उनकी जगह किधर है, ठीक है, उनकी जगह तो नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए इसका जो ड्रॉबैक नंबर टू है उसमें यही है कि इसने जो आइसोटॉप्स थे उसको क्या किया, इग्नोर किया, उनके लिए प्रॉपर जो इसकी जो स्पेस होती है वो इंक्लूड नहीं की, बल्कि इसने वो इंक्लूड ही नहीं किया अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है, तो ये इसका दूसरा ड्रॉबैक है। इसके बाद जो इसका तीसरा ड्रॉबैक था उसमें यह था कि कुछ एलिमेंट्स जो हायर उनका एटॉमिक मास था, ठीक है, वो इसने क्या किया, वो बाद में लिखे हुए थे, लेकिन जिन कुछ जिस एटॉमिक जिस एलिमेंट का लोअर एटॉमिक मास था उसको इसने क्या किया हुआ था, पहले लिखा हुआ था। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर हम देखें तो कोबाल्ट और निकल जो है हमारे पास, ठीक है, ये देखें हमारे पास ये कोबाल्ट और निकल, देखें कोबाल्ट जो है वो 58.93 उसका एटॉमिक मास है और निकल जो है 58.71 है, ठीक है, तो देखें तो हमारे पास जो निकल है उसका कम है, ठीक है, कोबाल्ट जो है उसका ज़्यादा है, तो होना क्या चाहिए था, कोबाल्ट को इधर आना चाहिए था, निकल को इधर आना चाहिए था, लेकिन इसने इसकी जो अरेंजमेंट है उसने इसने क्या किया, जिसका हायर एटॉमिक मास है उसको उसने पहले लिखा हुआ है और जिसका लोअर एटॉमिक मास है उसको उसने बाद में लिखा हुआ, तो इसका ये ड्रॉबैक नंबर थ्री है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी, अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो कहने में चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दो हम याद रखें, अल्लाह हाफिज़।